ये यहाँ की बाकी है ये मम्मी के लिए गिफ्ट हो गया मेरी तरफ से। पहाड़ी नारी का ऐसे नाक से टुक से पिठा लगाया जाता है। खाते थे पहले, मैं भी बहुत खाती थी इनको ऐसे तोड़ तोड़ के। हे गाइस, बड़ों को नमस्ते, इन पहला छोटू को बहुत सारा प्यार। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है मेरी ननिहाल में, कमेड़ी देवी मजगांव में, उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों में आप लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। और अभी मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में ना अपने बड़े मामा और तीसरे नंबर वाले मामा, उनका होम टूर करा दिया है, उनका पूरा मैंने आपको एरिया दिखाया। अब हम जा रहे हैं आज नीचे, दो मामा मेरे रहते हैं वहाँ पे जा रहे हैं हम सेकंड वाले, और फोर्थ नंबर के मामा रहते हैं हमारे। तो बाकी पार्टी हमारी जा चुकी है नीचे, हम लोग जा रहे हैं क्योंकि नीचे भी रोड जाती है, और मतलब मामा है और भाभी लोग हैं क्योंकि दोनों मामियां अब रही नहीं। तो हम मैं उनका घर दिखाऊंगी आपको। ये देखो ऐसी रोड है यहाँ पे जो कि नीचे को जा रही है। ये देखो नीचे पूरा झाकरा ढपटी सारे गांव हैं जो आपको दूर दूर दिख रहे हैं। हमारा गांव भी उधर नीचे घाटी में है, और रोड गई है श्यामकुट तक, ये रोड गई है। पॉली हाउस भी है किसी का यहाँ पे, अंकल कह रहे हैं देखो ससुराल में बहुत रहे। तो ये देखिए हम पूरे रोड पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ से लोकेशन कितनी अच्छी लग रही है। ये देखो लूट देख रहे हैं आप, लूट गाजियों के लूट है। देखो पापा स्टोरी सुना रहे हैं अपनी कैसे मम्मी के वहाँ तक पहुँचे, पापा मम्मी को पसंद किया चिन्ने के साथ, चिन्ने भी दे दिया। और ये यहाँ के घर खेत, और पूरी वो नीचे देखे पूरा कितना अच्छी लोकेशन। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो हम इतनी दूर आ गए फिर भी हम अभी तक नहीं पहुंचे। ये रोड बन चुकी है यहाँ पे ना, वो भी लगाया देखो भंतोला में, आपका स्वागत है। अभी देखो अभी तक हम पहुंचे नहीं, ऊपर मंदिर भी है। जय हो। मामा के एक बेटे ने यहाँ पे घर बना लिया रोड के पास ही, तो हम पहली बार जा रहे हैं उनके घर पे। वो भी पहले ही मामा लोगों के साथ जा चुकी है। ये पूरा रतघर गांव है, देखो मैंने ऊपर से दिखाया था आपको व्लॉग में, आज इतने पास दिख रहा है ये गांव। तो हम लोग उतर गए हैं यहाँ पे क्योंकि घर आ चुका है। हम पहले छोटे भैया के घर जाएंगे और फिर जाएंगे ऊपर गाँव में नरेंद्र भैया के घर। एक मामा इधर एक मामा वहाँ, इतने जगह रहते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। अब हम जा रहे हैं सीधे आगे को, घर दिख रहा है वहाँ पे। तो मम्मी अब आ जाइए उन्हें। अच्छा ये घर, इस घर में हमने जाना है। हवा कितनी अच्छी चल रही है। तो ये देखो पहुँच गए हम। और दीवू क्या कर रही है? तो ये घर आ गया, ये है प्राची का घर। ये प्राची है, ये देखो मेरा दीवू भी यहाँ पे आया हुआ है। दीवू कैसा लग रहा है आपको यहाँ? मेरी याद आ गई। चलो हम लोग पहुँच चुके यहाँ पे। भैया ऐसा कर रहे हैं देखो, अपना सर पकड़ रहे हैं, कह रहे हैं ये पागल है, लेट ब्लॉगर है। यहाँ का पूरा एरिया ये रहा। हाय मामा जी कहाँ से आ रहे नीचे से? देखो ये सब यहाँ पे खड़े हैं, खा है सब नली। अच्छा देखो सब बैठे हुए हैं। मामी देखो कितने गप्पे सब मार ली होंगी ना। मामी भी यहाँ पे बैठी हुई है तैयार होके बढ़िया। क्या बैठे ठीक है? ये देखो ये हमारी भाभी तन्वी घूम रही है यहाँ पे। हेलो, हमारी पिंकी भाभी है ये। इसका क्या नाम है? लक्की। लक्की लक्की तो मैंने छोटा सा जब पैदा हुआ था तब देखा था। लक्की हाय बोलो। हाय। ये प्राची है, खुश रहे खुश रहे खुश रहे। प्राची हाय बोलो। प्राची तो यहाँ पे खाना खाने की तैयारी चली। देखो खाना खा रहे हैं सभी जेंट्स लोग। कैसा हो रहा खाना? बहुत ही बढ़िया। और लेडीज पार्टी हमारी है अंदर, हमारी लेडीज इधर खा रही हैं। ये देखो
फुल मैम खाली है यहाँ पे। दोनों नौन तो भाभी बैठे हैं, दोनों खाना खा रहे हैं। बुआरी के हाथ का खाना आज स्वादिष्ट लग रहा है। तो गाइस खाना वाना तो हमने खा लिया है और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं दूसरे मामा के घर। वहाँ पे दिखाते हैं आपको, सेकंड नंबर के मामा है ना मेरे, उनका घर है, मतलब उनके दूसरे बेटे का घर है ये। एक बेटे का ऊपर है गांव में, एक बेटे का नीचे है। ये देखो सब हम पैदल पैदल जा रहे हैं और नीचे नीचे पार्टी हमारी आ रही। पापा हैं, मामा जी हैं, मामी है और ये देखो ऐसे भाग रहे हैं ये सब लोग। बढ़िया है खेती खेत देखो, वाह कितने अच्छे लग रहे देखो सब आते हुए। फोटोग्राफर सबसे आगे, ये देखो ये लोग हाँ ये ससुराल वाले हैं। डॉगी भी आ रहा पीछे से। मम्मी सबसे लेट है, ये मुझे लग रहा मायके में चल नहीं पा रही है। तो अभी ऊपर गांव दिख रहा ना आपको, ये है मजगांव। ये दीवू कितनी फास्ट चल रही है, यहाँ से देखो नीचे कैसे दिखता है। मम्मी वहाँ पहुंची है, गांव में पहुंच गए हम लोग। वाव देखो दीवू देखो, बकली गोट छोटा छोटा है ना, दीवी को मजा आ गया। देखो पहले के घर है सारे, ये यहाँ की बाखली है, बाखली बोलते हैं इसको। अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर बाखली हमारे मामा जी की है। ये डॉली है, डॉली डोला रही है हमारे साथ। दीवो कितना चल रही है, दीवो ने बकरी देखी खुश हो गई। वो दीवो कैसा लग रहा, बहुत अच्छा। मामी सबसे लेट, देखो ये लगा रहे हैं, ये लूट है, गाजर लूट हुई हो। और ये है ये बिच्छू घास बोलते हैं जिसको, शून तो इस पे बिल्कुल नहीं लगना हुआ। ये नाना जी का पुश्तैनी घर है, यहीं पे रहते थे सारे मामा लोग मम्मी लोग। देखो ये बकरी और ये गाय, ये किसका मकान है वाला, ये यहाँ पे पुराना मकान कहाँ गया। हाँ यहाँ पे पुराना मकान हुआ करता था, अबे नया बन गया। और ये घर तो पहले से है। ये देखो हमारे बच्चे सब, इसका नाम है दीक्षा और इसका नाम माही, इसका नाम लक्की, उसका नाम प्राची और ये स्नेहा सबसे बड़ी। ये देखो पापा बैठ चुके हैं गद्दी में। ये अरे ये हमारी भाभी पहला, ये हमारी भाभी है बड़ी भाभी, एक भाभी है हमारी। तो ये दो भाभी के घर आए हम लोग और इनके ये हैं गाय बच्चिया। और ये सोनी है देखो, ये हमारे भैया की बेटी है। ले लग चुका है यहाँ पे आसन। अली मेरी दीवू को भी दे दो, छोटा छोटा सा गोट, छोटा छोटा दीवा पकड़ 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 देव पकड़ पकड़ ये देव पकड़ पकड़ देव पकड़ 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 ऊपर। हाँ ऐसे देख ऐसे, हाँ ऐसे दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना है। ये देखो दीवी ने फाइनली पकड़ दी है गोट, बहुत अच्छी होती है। अरे वो बहुत अच्छी होती है। नीचे देखो ये स्नेहा लोगों के घर में गए हम। अरे वाह ये मेरी मामी है, देखो ये मामी हमारी चौथे नंबर की मामी है। यह देखो कौन भैया गुरबाचना पास जाने के लिए सट्टे से बाट बटा रखा है अंदर से, है सीक्रेट डोर है ना ये, वो तो कौन बाहर से जाने में लगा रहे। अरे हाँ इसको है पुतु, ये क्या है पुतु का, क्या करते हैं इसमें, इसमें अनाज डालते हैं, वो डुक्के हैं। ये डुक्के हैं देखो डुक्के, वो सूप और ये डाल है, ये पुतुक है, ये पुतुक है। देखो पुरानी चीजें सब यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और ये छापर है, ये छापर है, ऊपर देखो सामान भी रखते थे पहले से ऐसे ऐसे वो डाल रखे। और भाभी यहाँ पे चाय बना रही है और ये सोनी हंस रही है, देखो ये हंसने का 12th हो चुका है देखो। बस बंद कर दे इसको। तो अब स्नेहा लेके जा रही है चाय सबके लिए। ये देखो मामा एक डॉग लेके आए बाहर, क्या करोगे इसे, सामान ले जाने के काम आता है डॉग। देखो जोड़ भी दे दिया है, मेरी मम्मी खुश हो गई है। आप मम्मी देखती रहेगी कितनी बार देखेगी, है ना।
जितनी बार चाहे देख सकती है मम्मी। ये मम्मी के लिए गिफ्ट हो गया मेरी तरफ से। अब देखते रहे ना माइके के व्लॉग है। मामा का अभी तैयार नहीं हुआ डोका, पीठ पे लगाएंगे इसको। दीवू जो है अभी तक वो बकरी के पीछे। ओहो मुझे तो दो, ये देख रहे हो इसको, ये ओ माय गॉड, अरे परेशान हो गई वो। हाय राम, ये देखो हमारे मामा, देखो डॉग लेके इसमें सामान भी ले जाते हैं, गोबर भी ले जाते हैं। नच रहे हो मामा आप तो इसमें। इनके मजा आ गए देख के, मामा तो छोड़ ही नहीं रहे हो। ये हमारे मामा जी नाना जी का पुश्तैनी मकान है, यहीं पे रहे हुए हैं मतलब ये सब लोग। आप पूरा नया बना दिया। आपको बहुत पसंद आ रही गो, ये करते हैं भेदभाव लेडीज और तो ये देखिए पहाड़ी नारी का ऐसे नाक से, नाक से टुक से पिठा लगाया जाता है। बड़ी सुंदर लग रही है। मामी भी देखो, मामी का भी चश्मे की वजह से थोड़ा वैसे हो गया। तनीर नहीं, देखो मंजू दीदी को भी पुरानी याद आ रही है, मुझे भी पुरानी याद आ रही है। मम्मी को देखो ये अपना देपूज देपूज भी कर रहे हैं। आप हमारा जाने का टाइम हो गया, हम नीचे जा रहे हैं। बाय बिजुदा बैठे हैं वो, एक दादा लोग फिर मिल गए देखो ये। और ये क्या हुए मेरे भाभी? अच्छा कौन सी वाली भाभी हुई? अच्छा उधर की, अच्छा ये। चलो पहला आ गया तो ये देखो सब बैठे हुए यहाँ पे। पहला पहला ये देखो लासन ली भी बैठा नहीं ले। पुराने घर इस टाइप के होते थे ना ऐसा सीनर। हाँ तो ये गोट है और ये ऊपर घर का रास्ता है। ये दो खिड़कियाँ पूरी बाखली, ये है ऐसी बाखली होती थी ना पहले से गांव की। पालक भी लगा रखा है। अब हमें फिर से नीचे जाना है पिंकी भाभी के यहाँ। प्याज लगा रखा है देखो, इस तरीके के खेत है यहाँ पे। कितना अच्छा लग रहा है। आलू कहाँ? उधर। अच्छा ये लोग पहुंच गए हैं उतने दूर, हम लोग पीछे, सबसे पीछे मैं ही हूँ। और मामा लोगों को आप देख नहीं पाए, मामा वैसे मंदिर में मैंने दिखा रखे हैं पहले भी। मामा क्योंकि मंदिर में ही हैं, उनका मेन काम वैसे ही होता है, मंदिर में ही ज्यादा रहते हैं वो। गांव की जो भी पूजा होती है ना वो मंदिर में आती है, क्योंकि उनमें देवता आते हैं ना इस वजह से। तो उनको फिर दिखाऊंगी मंदिर में मिलवा। कल मामा जी लोगों की कथा है तो वही दिखाएंगे। बड़ी मामी के किस्से तो हमने सुनाए नहीं। मेरी बड़ी मामी का मायका यहीं पर है। जय हो। जाखनी गांव है, मंदिर भी दिख रहा होगा देखो। ये बड़ी मामी का मायका है वहाँ पे। मामी की शादी हो गई थी जब वो 13 साल की थी। मामी जी के पापा जो थे एजुकेशन हलदार थे और मामी उनकी इकलौती बेटी, तो मामी का ही है सब कुछ है। मामी इकलौती वारिस है इसलिए खुश रहती है ये। देखो दीवी जो है अपने मामा को नहीं छोड़ रही है, उनको काम से जाना है सामान रखना है गाड़ी में, लेकिन दीवू नहीं छोड़ रही। मैं नीचे से आपके लिए टॉफी लेता हूँ। दीवू कह रही मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। जाओ। वो डॉली क्या कर रही है देख, डॉली क्या कर रही है? इसको बकरी दिखाओ। कहाँ से लाए बकरी? ये लूट मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखो से लूट बनाए जाते हैं यहाँ पे। चावल डाल रहे हैं डेली पे, जब बेटी मायके आती है तो ऐसा करना होता है। हैं मंजू दीदी, जरूरी होता है ये। ये देखो ये दोनों जनरेशन है, ये बुआ ये बेटी। और मेरे जो है दो दो बार इतने बड़े बड़े टीका लग गया है। ये देखो बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल टीका, और अच्छा लग रहा है ना। हवा चल रही है बढ़िया मस्त, यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। जाने का मन तो नहीं कर रहा, कितना अच्छा लग रहा है खुला खुला यहाँ पे। देखो सब लोग हमें छोड़ने आ रहे हैं रोड तक, बच्चों का लग गया है झमघट। दीवू यहाँ पे तो आराम से जाना पड़ेगा बेटा, रुक जा, मैं मुझे जाने दे नीचे। दीवू पूरी कोशिश करते हुए नीचे आते हुए, देखो ऐसे रास्तों में नीचे आते हुए, ये किसकी बेटी हो सकती है? केवल मेरी ही हो सकती है ऐसी बेटी। देखो ये देखो किसी की मदद नहीं ली उसने।
देखा स्लाइड जैसे कर रही थी मैं तो। हाँ पापा को दिखाऊंगी कि दीवु ऐसे आ रही थी देखो रास्तों में तो खींचोगे का। ये देखो पछड़ी में माट देखो माट। यहाँ से तो गिरेगी कोई बात ना कपड़े तो गंदवाल कोई बात ना सीखेगी मेरा बेटा। दीदी दौड़ना मत नीचे गाड़िया। देखो हम घर पहुँचे नहीं अंकल यहाँ पे किरमड़ देख लिया अंकल ने। इनको किरमड़ बोलते ना खाते थे पहले मैं भी बहुत खाती थी इनको ऐसे तोड़ तोड़ के। ये किरमड़ का पेड़ है पूरा रास्ते में अंकल को ये दिखे तो अंकल ने कहा चलो ना ऐसे खोलने से ऐसे होता है अंदर से बीज से होते है थोड़े से और बिल्कुल लाल हो जाता है इससे। देखो खा लो किरमड़ खा लो किरमड़ खा लो। चलो तो हम पहुंच गए वापस से घर और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ ऊपर। और ये दोनों देखो गाड़ी साफ कर वो देखो वो दोनों गाड़ी साफ अभियान चल रहा गाड़ी सफाई अभियान। मौसम ऐसा हो रखा है देखो बादल बादल छाए। ये आशू की बाइक है पर देखो कितना अच्छा रास्ता है ना कितना अच्छा लगता है ऐसे 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 जाने में। ये मामा मामी पहले पहुंच चुके हैं। ये हमारे बड़े मामा देखो ये हैं मेरे सबसे बड़े मामा जी। अच्छा अरे हाँ जो कि हैं सबसे ज्यादा एक्टिव ठीक है मैं मिलाऊंगी इनसे अच्छे से। ये देखो जय हो ये देखो आड़ू तो हाँ मुझे बहुत ही पसंद है। मामा जी आ रहे हैं अभी बागनाथ मंदिर से है ना मामा जी बागनाथ से आ रहे हैं बागेश्वर। तो मामा जी हमारे ना 86 इयर्स के है ना 83 ये लोग 86 बोल रहे। तो देखो यहाँ पे आए हुए हैं आज मामी जी के भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं घर पहुँच के फिर से चाय पीने लग गए मामी मम्मी और ये दीबू। तोरा अभी 8 बज चुका है ठीक है और खाना वाना बन रहा है रात हो चुकी है ठंडा एकदम ठंड हो चुकी है और अभी खाना वाना बन रहा है ऊपर। और मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया था आज मैंने आपको पूरा मतलब जितना दिखाना था यहाँ पे दिखा दिया है मैंने जितने मेरे मामा यहाँ पे रहते हैं ना उतनों के घर और कैसा कैसा पूरा गांव लगभग मैंने दिखा दिया आपको। और आपको भी जरूर अच्छा लगा होगा हर एक चीज़ गांव की क्योंकि हर कोई मिस करता है अब ये जो हमारा पहले हम यहाँ पे रहते थे सब कुछ हमने भी ये चीज़ें करी है उस टाइम पे उतना वो नहीं होता था ना अब हम बाहर को रहते तो हमें ये चीज़ें याद आती हैं तो ना पुरानी यादें सबकी ताज़ा हो गई होंगी जो जो भी पहाड़ में रहा है या जिनने पहाड़ नहीं देखे हैं उनको भी पहाड़ पसंद आए होंगे हमारे उत्तराखंड के ऐसी पहाड़ होते हैं उत्तराखंड में जरूर आइएगा। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही अब मिलेंगे कल के व्लॉग में। कल है कथा मामा मामी की कथा है तो कल का व्लॉग भी इंटरेस्टिंग होगा वो देखना उसी मंदिर में है तो वो भी आप एंजॉय करोगे कल का व्लॉग भी जरूर देखना। और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आए अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे नए हो। तो चलिए गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय। तो गाइज ये हंस रही है मेरे को देख के देखो बोलने नहीं दे रही मुझे बिल्कुल भी तन्वी।